भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा 3 राज्य यानी कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव निपट जाएंगे। मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी 5 राज्यों का चुनाव कार्यक्रम क्या कहता है, समझते हैं। सबसे पहले बात मणिपुर की। यहां पर चुनाव की अधिसूचना 8 जनवरी 2022 को जारी होगी। 2 चरण में मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 3 मार्च को होगी। इसके बाद बात करते हैं गोवा की। गोवा में भी चुनाव की अधिसूचना 8 जनवरी 2022 को लागू होगी। यहां पर सिर्फ 1 चरण में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके लिए वोटिंग 14 फरवरी को होगी। यही हाल है उत्तराखंड और पंजाब का भी। दोनों जगह चुनाव की अधिसूचना 8 जनवरी 2022 को जारी होगी और दोनों जगह एक फेज में ही वोटिंग होगी। वो फेज पड़ेगा 14 फरवरी को। अब बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां के चुनाव पर काफी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी होगा 8 जनवरी 2022 को। 7 चरणों में, जी हां, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां और अंतिम चरण की वोटिंग होगी 7 मार्च को। इन सभी राज्यों में वोटिंग के बाद 10 मार्च को सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। 10 मार्च को गुरुवार का दिन है, उस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इन 5 राज्यों में से 4 में अभी बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब इकलौता है जहां कांग्रेस सत्ता में है। चुनावी बिगुल बजने के बाद इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मतदान कार्यक्रम के अलावा पूरे भारत में मामलों की बढ़ती संख्या के बीच कोविड 19 प्रोटोकॉल की भी घोषणा हुई है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन चुनावों में 18 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों की संख्या करीब 2,15,368 होगी। 2017 के विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या 16% बढ़ाई गई है। ये काम इसलिए भी किया गया है ताकि मतदान सेंटर पर एक बूथ पर कम लोग रहें और कोविड प्रोटोकॉल का, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का, पालन कराया जा सके। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी, वोटिंग से जुड़ी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।